हे एवरीवन, दिस साइड सी नेहा गुप्ता है, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। यस, आपने टैगलाइन बिल्कुल ठीक पढ़ी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो सीए कर रहे हैं और साथ में जो ऑलरेडी सीए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंश्योर कर ले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया है, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको हमेशा टाइमली मिलती रहे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो लोग सीए कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जब तक आप अपने सीए क्वालिफाई करेंगे, हो सकता है तब तक ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही ख़त्म हो जाए इंडिया में, या फिर ऐसा हो जाए कि सिर्फ कुछ लोगों को ही ऑडिट मिल पाएगा, बाकी मेजरली ऑडिट हट चुका होगा, तो तब भी क्या आपको सीए उतना ही, जब जिस दिन आप सीए बनेंगे उतना ही प्राउड फील करेंगे? आपको लग रहा है कि जितनी आप मेहनत अभी सीए बनने के लिए कर रहे हैं वो उतनी वर्थफाइल है अगर आपसे आपके सिग्नेचर की वर्थ ले ली जाए, आपसे ऑडिट करने का राइट ले लिया जाए? हो सकता है ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग ना बोलेंगे कि ये एक वर्थफाइल नहीं है, बट अगर मैं वहीं बात करूँ उन लोगों की जो सीए है या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए अगर ऑडिट ही ख़त्म हो जाए, उनको ऑडिट करने की उनसे ऑडिट ले लिए जाए तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक ऑडिट रेवेन्यू सोर्स है काफ़ी प्रैक्टिसिंग सीएस के लिए, बट मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं फाइनेंशियल मैटर्स की बात ही नहीं कर रही, क्योंकि एक सीए कैसे भी बहुत सारे तरीके जिससे वो अर्न कर सकते हैं, वो कंसल्टेंसी दे सकता है, वो जीएसटी का काम कर सकते हैं, इनकम टैक्स का काम कर सकते हैं, मेनी अदर सोर्सेज जिसके थ्रू वो अर्न कर सकता है। यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स की बात ही नहीं मैं कर रही। जो मेजरली मैं कहना चाहती हूँ वो रीज़न है कि जो एक हमारा बेसिक राइट है एक सीए का, ऑडिट करना, एक जो सिग्नेचर का सिग्निफिकेंट है वो कितना रह जाएगा अगर हमसे ऑडिट ले लिए जाएंगे तो। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी क्लिप आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन जीएसटी इंडिया में आया, 1 जुलाई 2017, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ वर्ड्स बोले थे, आप प्लीज़ एक बार ही सुनिए, देन हम इस वीडियो को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। और कभी आपने सोचा है कि जिसकी बैलेंस शीट के साथ आपकी सही जुड़ गई है, इस अकाउंट को, उस कंपनी के कारोबार को, उस बैलेंस शीट को देख करके बात वहां अटकती नहीं है दोस्तों। उस सिग्नेचर के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मैं आज उस नई जिंदगी के आपको दर्शन कराना आया हूं। तो नरेंद्र मोदी जी ने बात बोली जिसमें उन्होंने बोला कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर एक प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। इसका उन्होंने रीजन दिया आगे, उन्होंने बताया कि कैसे जब ऑडिटेड बैलेंस शीट आती है और लोग उस पर भरोसा करके उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक विडो लेडी उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है, स्टॉक बाय कर रही है उस ऑडिटेड बैलेंस शीट के भरोसे पे, तो कहाँ तक एक सीए की वैल्यू है, सीए के सिग्नेचर की वैल्यू है, ये नरेंद्र मोदी जी ने बताई है। तो ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट है अगर कोई सीए जब कोई भी बैलेंस शीट साइन करता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उस कंपनीज के लिए ऑडिट चेक, मतलब पेन लेता है, ऑडिट को अच्छे से देखता है, तभी जाके ऑडिट परफॉर्म करता है, अकाउंट्स को अच्छे से देखता है। अब इसके बाद
अब आती है NFRA, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सबसे पहले तुम समझ लेते हैं कि है क्या NFRA और क्यों ये ऑडिट हटाने की बात कर रही है। इन दो चीज़ों का थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। NFRA कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू बनी हुई, जिसमें रिसेंटली एक 1 अक्टूबर 2018 से ये इफेक्टिव हुई, जिसके अंदर उनको ये राइट दिए गए, ये कॉन्स्टिट्यूशन किया गया कि वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की चीज़ों के बारे में गाइडलाइंस प्रिंसिपल निकालेंगे। तो जब NFRA ने अपना कंसल्टेशन पेपर निकाला और लोगों से कमेंट्स मांगे कि बताएं जो हमने कंसल्टेशन पेपर दिया है उसमें आपके क्या व्यूज़ हैं, तो सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि ऑडिट को जो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स है प्राइवेट लिमिटेड और द पब्लिक कंपनी, जहाँ पे मेजरली स्टैट्यूटरी ऑडिट्स हैं, उसको ख़त्म कर देने की बात की गई। पूरी तरीके से नहीं, बट 99% ये ऑडिट ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ख़त्म कैसे हो जाएंगे। उन्होंने एक डेटा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया में तकरीबन 12 लाख कंपनीज हैं, 12 में से फाइनेंशियल ईयर 17-18 में तकरीबन 5 लाख प्लस कंपनीज ने अपना ऑडिट नहीं करवाया। चलिए ठीक है, इसका भी हो सकता है एक रीज़न हो, क्योंकि मेजरली काफ़ी हद तक लोगों को पता ही नहीं है कि अगर उनके पास बिज़नेस नहीं है, लोगों की थिंकिंग है प्राइवेट लिमिटेड बनाने के बाद कि अगर हमारे पास बिज़नेस नहीं है तो हमें कोई कंप्लायंस नहीं करना, बट ऐसा है नहीं। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, ये बात प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कोई भी प्राइवेट लिमिटेड रन कर रहे हैं तो उसमें आपको सारे कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे, चाहे आपके पास बिज़नेस हो या ना हो। तो लोगों ने नहीं फाइल करा, ठीक है। सेकेंडली, 6 लाख प्लस कंपनीज ऐसी है, बहुत ध्यान से सुनना, वो पेपर, ये कंसल्टेशन पेपर ये कह रहा है कि 6 लाख प्लस कंपनीज ऐसी हैं जिसकी ऑडिट फीस या तो है ही नहीं, अगर है तो 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये है। अब रीज़न भी सुनना कि NFRA रीज़न क्या दे रहा है ऑडिट हटाने का, कि जब ऑडिट फीस इतनी कम है तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही क्या है, क्योंकि वो उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है उसको हटा दिया जाए। मेरे अकॉर्डिंग बहुत वियर चीज़ है कि अगर कुछ ऑडिटर या कुछ कोई भी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो उस चीज़ को ठीक करने की जगह उस चीज़ को हटा देना कहाँ तक सही है। मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि एक बेंचमार्क सेट हो, एक तरीका सेट हो कि ऑडिट सही तरीके से हो पाए, या फिर एक मिनिमम ऑडिट फीस की लिमिट लगा दे कि इतना तो आपको चार्ज करना ही करना है, ताकि सीए भी अच्छे से काम करे फिर उस ऑडिट पे। ऑल दो फीस से कभी भी रीज़न नहीं होना चाहिए जब आप ऑडिट कर रहे हैं कि आपने सही तरीके से किया नहीं करा। अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसे अच्छे तरीके से ही करेंगे, सीए का कोई पैरामीटर, फीस का कोई पैरामीटर नहीं होता है। बट स्टिल अगर NFRA ये रीज़न दे रहा है कि फीस बहुत कम है, तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि NFRA को डाटा कहाँ से मिला ये वाला। मेरे अकॉर्डिंग NFRA को डाटा मिला AOC-4 से। हर कंपनी को AOC-4 फाइल करना होता है और AOC-4 के अंदर जाता है डाटा पेमेंट टू ऑडिटर, कि ऑडिट फीस कितनी गई उस साल में। पर NFRA को ये भी समझना चाहिए कि काफ़ी बार जो अकाउंटेंट है वो ऑडिट फीस को अदर एक्सपेंसेस में बुक कर देते हैं। जब वो अदर एक्सपेंसेस बुक हो गई और लेट से CS ने AOC-4 फाइल करा, CA ने करा ही नहीं, उसको CS को पता ही नहीं था कि ऑडिट फीस अलग से चार्ज हुई हुई थी, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे भी नहीं जाएगी पेमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन में। तो ज़ीरो फीस के बेस पे अगर वो कह रहे हैं कि कोई फीस चार्ज ही नहीं कर रहे और ऑडिट हो रहा है, तो पहले आप चेक तो करिए, हो सकता है डाटा ही गलत हो। इंस्टीट्यूट से बात करिए, ICA से बात करिए, डाटा को रिवाइज चेक करिए एक बारी, इसके बेस पे डिसीजन ले लेना कि ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, चाहे आप CA हैं या आप CA कर रहे हैं, पहले GST ऑडिट हमारे हाथ से चला गया, फिर इनकम टैक्स ऑडिट भी एक तरीके से धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि अब टर्नओवर लिमिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 10 CR हो चुकी है, तो भी इनकम टैक्स ऑडिट की भी बहुत हद तक हमारे हाथ से क्लाइंट जा रहे हैं। उसके बाद आती है स्टैट ऑडिट की बात, तो अब वहाँ भी यही हो रहा है कि हो सकता है स्टैट ऑडिट भी धीरे धीरे चला ही जाए। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि जो NFRA है वो ये कह रहा है कि 250 करोड़, पहले तो ये एक MSME को उन्होंने अपडेट करा डेफिनेशन को, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि 250 करोड़ का टर्नओवर, अगर उससे कम आपका टर्नओवर है तो आपको MSME की कैटेगरी मिल जाएगी, यानी कि आप MSME हैं, और अगर आप MSME हैं तो आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
गए 99% ऑडिट हाथ से, क्योंकि मेजरली बहुत सारे प्रैक्टिसिंग सीए आज भी एमएसएमईज के ही ऑडिट कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक अच्छा एक वायबल डिसीजन नहीं है। डिपार्टमेंट को या फिर गवर्नमेंट को ये करने से पहले सोचना चाहिए। ऑल दो अभी ये एप्लीकेबल नहीं हुआ है, कि कंसल्टेशन पेपर आया है, लोगों से कमेंट्स मांगे गए हैं, जैसे ही ये फाइनल होगा उसके बाद ही डिसाइड होगा कि आगे क्या होगा। बट अभी तक के लिए अगर ये एप्लीकेबल हो गया तो ऑब्वियसली ये बहुत हद तक इम्पैक्ट करने वाला है सीए फ्रेटर्निटी को। सो मेरे अकॉर्डिंग हम सबको मिलकर इसके लिए कुछ ना कुछ अपने कमेंट जरूर दीजिए, कुछ ना कुछ इसके बारे में इंस्टीट्यूट को स्पेशली एक्शन लेना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि कल को कोई भी आके किसी भी प्रोफेशन की इमेज खराब कर सकता है। एटलीस्ट सीए के प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीएआई की है। हमारे लिए इतने सारे एथिक्स इंस्टीट्यूट ने निकाल रखे हैं कि आपको ये भी फॉलो करना है, आपको ये भी फॉलो करना है, आपको ये भी फॉलो करना है। तो कुछ रूल्स ऐसे भी होने चाहिए जहाँ पर जो हमारी डिग्निटी है, जो हमारा राइट है, वो मेंटेन रहे, उसको कोई छू भी ना पाए। सो अगर मैं अभी एक यहाँ पे एक और छोटा सा मैं आपको नरेंद्र जी का उसी क्लिप को आगे एक थोड़ा सा पार्ट दिखाना चाहती हूँ। आप सभी से मेरा आग्रह है, हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों का आपके उस सिग्नेचर पर भरोसा है। उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए, उसको खरोच भी मत आने दीजिए। सो नरेंद्र मोदी जी ने ये कुछ बातें बोली जिसमें उन्होंने बोला कि इस भरोसे को कायम रखिए, इस पे खरोच भी मत आने दीजिए जो आपके एक सिग्नेचर पे भरोसा होता है। तो भरोसा जब होगा, जब सिग्नेचर रहेगा, उसकी वैल्यू रहेगी जब ऑडिट रहेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आगे आइए, इन चीज़ों को डिस्कस करिए, अपने व्यूज़ दीजिए, जिससे कि NFRA एक बार और ज़रूर सोचे कि क्या कंसल्टेशन पेपर को इफ़ेक्टिव बना देना एक अच्छा डिसीजन होगा या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।